पुलिस ने चलाया मस्जिदों में चेकिंग अभियान, संदिग्धों की पड़ताल। बिजनौर, कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिले के प्रशासन अधिकारियों के बार बार अपील के बाद भी कुछ समुदाय द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन न करने पर बिजनौर जनपद की सभी मस्जिदों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर उन्हें जहां सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमित लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन में 200 से ज्यादा तबलीगी जमात के धर्म प्रचारक मिलने के बाद वहां मरगज में 2000 के आसपास लोगों के मिलने पर जहां कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं इस तबलीगी जमात द्वारा विदेशों से आए धर्म प्रचारक द्वारा अन्य जिलों में जमात कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों के बीच धर्म के प्रति प्रचार प्रसार किया गया है। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह तबलीगी जमात के लोग जनपद बिजनौर के किस किस मस्जिद में जमात के लिए गए थे, पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। साथ ही मस्जिदों पर रह रहे मुलतवी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जनपद की सभी मस्जिद को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि मस्जिद में रुके कुछ इमाम द्वारा पास जारी करने के लिए कहा गया था, जिसको लेकर पुलिस सभी मस्जिदों में चेकिंग अभियान चला रही है और कोई भी कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से संक्रमित ना हो, इसके लिए सबकी जांच की जा रही है। साथ ही यह लोग कहां से और किस लिए आए थे और मस्जिदों में कब से रुके हैं, इसके लिए पूछताछ की जा रही है। मस्जिद वालों के मुतवल्ली जो है, उन्होंने पास मांगा था कि हमें पास दे दिया जाए, जो है इस बिना पर उनकी चेकिंग की रही। कोई इसमें संदिग्ध तो नहीं है, जो कोरोना है उसका पॉजिटिव केस तो नहीं है, उनकी चेकिंग कराई जा रही है, उनका पूरा डिटेल लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य मस्जिदों मदरसों की भी चेकिंग कराई जाएगी, कोई अनधिकृत रूप से तो रुके नहीं है लोग, और ये चेकिंग वेरिफिकेशन आगे भी चलता रहेगा। क्या कुछ मस्जिदों में मिले कुछ? अभी यहाँ पे 5 लोग मिले हैं, सभी नॉर्मल हैं, कानपुर के रहने वाले हैं।